वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर सेकंड डे एट पुष्कर। और कल वैसे जैसा आपको पता था कि हम काफ़ी लेट यहां पर हमने एंट्री करी थी, और आज सुबह हमने सोचा कि आज हम पुष्कर को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सुबह 6 बजे से ही बारिश हो रही है और नाउ इट्स बीइंग 11 o'clock। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा है कि आज हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका एक प्रीव्यू दिखाएं। तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर दोनों तरह की फैसिलिटीज़ है, इंडोर और आउटडोर दोनों सिटिंग्स हैं, और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अपीलिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉडर्न के साथ साथ वेस्टर्न टच भी बहुत है। और अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पर हर तरह का अच्छा ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। मतलब जैसे कि आपको अगर इडली साउथ इंडियन पसंद है तो साउथ इंडियन भी है, आपको पूड़ी वगैरह पसंद है तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे जूसेस और हर तरह के बेवरेजेस, और अच्छा मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और फूड की क्वालिटी भी अच्छी है। ये जो होटल की प्रॉपर्टी है ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, और इसका एक हेरिटेज लुक है, और इसका नाम है होटल रेजेंटा पुष्कर रिसोर्ट। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और खूबसूरत और वेल मेंटेन लॉन्स हैं, बहुत खूबसूरत आर्चीज बने हुए हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इस यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी बहुत अच्छा है, तो आपको गाड़ी पार्क करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इनफ एम्पल पार्किंग स्पेस है, और ये जगह को एक बहुत ही खूबसूरत हॉलीडे प्लेस बनाता है फैमिली के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत प्यारे प्यारे डक्स हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ का रॉयल टच आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे जो कलर का यूज़ करा हुआ है वो बहुत ही मेरे को तो अपीलिंग लगा है, क्योंकि ये जो इन्होंने कलर यूज़ किया, कलर कॉम्बिनेशन सचमुच बहुत खूबसूरत है और बहुत रिलैक्सिंग भी है। तो इसमें मतलब आप देखेंगे पुराने के साथ साथ बिल्कुल मॉडर्न का भी बहुत अच्छा टच है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम अपने जो होटल है हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसके टेरेस पे आए हैं, और आप ये देखिए यहाँ से यहाँ का टेरेस का व्यू कितना सुंदर दृश्य है। पीछे आप मेरे देख रहे हैं लोग बाग जो है टूरिस्ट, वो ऊँट गाड़ी की सवारी कर रहे हैं। बारिश अब बंद हो चुकी है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना बाहर निकला जाए, तो चलिए चलते हैं। देखिए कितने खूबसूरत सीन है यहाँ पर, दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत और खूबसूरत कैमल सफारीज का बहुत ही प्यारा दृश्य। और यहाँ देखिए दूर दूर पहाड़ों पर बादल गिर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो के चुकी है, बहुत बारिश हुई है। पिछले दिन तो पूरे 6 घंटे लगातार बारिश हुई है यहाँ पर। और ये देखिए जो दृश्य है, जो आपको दिखेगा दूर तक का बड़ा दृश्य, जो सीन दिखाई दे रहा है, जो अब मन को बहुत ही लुभाता है। तो हम वापस आ गए हैं अपने होटल में, और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और करेंगे पुष्कर सरोवर के दर्शन और करेंगे मार्केट का ट्रिप। तो बने रहिएगा हमारे साथ।